पूर्वी दिल्ली नगर निगम में शिक्षा समिति की डिस्कशन मीटिंग में शिक्षा समिति के सदस्यों ने अपने अपने सुझाव रखे। वहीं राजकुमार बल्लन ने बताया कि प्राइवेट स्कूलों से निकलकर हमारे प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थी दाखिला ले रहे हैं। पब्लिक स्कूल से 700 एडमिशन हुए और 200 बच्चे पब्लिक स्कूल से हमारे विद्यालय में आए हैं। उसके लिए ये स्मार्ट बोर्ड का कितना महत्व है, आपने 250 250 बच्चे हो जिनके अभी यूडाइस मैंने टेक्निकल और यूडाइस से जो आया नहीं है, प्रैक्टिकल 250 ही है। लेकिन यूडाइस से ना थर्टी पर आगे जो मेरे 200 का यूडाइस कंफर्म भी हो गया कि जब अब जो दाखिला पब्लिक स्कूल से आता है तो वहाँ यूडाइस से हटके हमारे इसमें आएगा यूडाइस में, तो 200 का वो भी आ चुका है। 50 के सर्टिफिकेट का उसकी प्रक्रिया दाखिले अंडरटेकिंग पे हो गए, लेकिन 250 व्यवहारिक रूप से आ गए। स्मानपुर में भी 26 बच्चे, मैंने आपको बताया 26 बच्चे वहां भी आता है। तो मैं कहना ही चाहता हूँ स्मार्ट क्लास कितना भी बड़े से बड़ा पब्लिक स्कूल हो, मैं 2.25 लाख के स्मार्ट बोर्ड बच्चे नहीं पढ़ रहा है। एक्सपो भरतपुरी में पिछले वर्ष भी हुआ था तो 3rd, 4th, 5th के लिए हमने 6 कक्षाओं में लगाया था, लेकिन वहां के अध्यापकों ने इसको पहली कक्षा से लेकर उसी तक रोटेट कर अपने आप को शेड्यूल बनाया था, सबको वीकली वहां ले गए थे। वहीं से शिक्षा समिति के अध्यक्ष रोमेश कुमार गुप्ता ने शिक्षक व शिक्षा विभाग के अधिकारियों की सराहना करते हुए कहा कि हमारे विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या काफी बड़ी है और शिक्षा समिति के सदस्यों ने प्रस्ताव रखा कि 4th व 5th कक्षा के विद्यार्थियों को टैबलेट प्रदान किए जाएं। आज के शिक्षा समिति के बजट की डिस्कशन मीटिंग थी, उसमें हमारे समिति के सदस्यों ने अच्छे सुझाव दिए और जो नगर निगम के विद्यालयों में जो पब्लिक स्कूलों से निकलकर भी लगभग 38,000 के करीब बच्चे आए हैं, तो वो MCD के स्कूलों की गुणवत्ता को देखते हुए हमारे स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों से बच्चे आए, जो वास्तव में जिसके लिए हमारे शिक्षक और हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी और हम सभी के प्रयासों से हुआ। हमारे शिक्षकों ने गली गली में जाकर प्रचार किया कि स्कूलों में हमारे में ये सुविधाएँ हैं, तो उन सबको देखते हुए हमारे स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ी है और निश्चित रूप से वो बच्चे वही थे जो पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे थे। ये प्रस्तावित बजट है, उसके अंदर में हमारे सदस्यों का ये मांग थी कि 4th और 5th क्लास के बच्चों को टैबलेट प्रदान किए जाएँ, जिससे कि MCD के स्कूलों के बच्चों का स्तर और ज़्यादा सुधारा जा सके, क्योंकि बच्चे जो है देश का भविष्य होते हैं, भविष्य के देश के कर्णधार होते हैं। तो हमारे सदस्यों ने मांग की है, उसके लिए जैसे भी फंड की व्यवस्था होगी हम करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे।